आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज एचडी और मैं हूं सुबह से नजर डालते हैं आप तक ये अहम तरीन खबरों पर। नवाब शाह से खबर देते चलें, जहां जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक की अपील पर मुल्क भर की तरह नवाब शाह में भी बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सगीर जामिया मस्जिद के बाहर मुजाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के ज़िले अमीर सरवर अहमद कुरैशी ने कहा है कि महंगाई की वजह से अवाम बदहाल हो रहे हैं, खुदकुशी पर मजबूर हैं, अपने बच्चों को भूख की वजह से मार रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वो अपने कपड़े बेचकर लोगों को सस्ता आटा फराहम करेंगे। इस वक्त आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब, कौम को तुम्हारे कपड़े नहीं बल्कि जो जायदाद और फैक्ट्रियां आपके ख़ानदान ने बाहर लगाई हैं वो कौम को वापस करो। इसी तरह अपने साथी आसिफ अली जरदारी का पैसा भी मुल्क में लाओ। उन्होंने कहा कि महंगाई का खात्मा ना हुआ तो हुक्मरानों के ऐवान भी महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने नवाबशाह शहर में बढ़ती हुई बेअमनी पर भी तश्वीश का इजहार करते हुए कहा है कि लगता है कि शहर में चोरों और डाकों का राज है, इंतजाम खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहरे से जमात इस्लामी शहर के साबिक अमीर फैसल हुमायूं ने भी खिताब किया। रिपोर्ट तालिब हुसैन खानजादा, ब्यूरो पाक 99 न्यूज। फासिक किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम ना करना, आज का ये मुजाहरा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की अपील पर पूरे पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। जो हालात इस वक्त जा रहे हैं पाकिस्तान के पिछले 75 साल में।